वेल तो गाइज आज की वीडियो में लेकर आए हुए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर गाइज आप सोचो व्हाई माइनक्राफ्ट इज सो पॉपुलर इन इंडिया। मतलब गाइज आपको मैं लिटरली बताऊं तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वैसे तो मेरे दिमाग में कभी कभी GTA 5 के टाइम पे आता था, बट उसके लिए मैंने सोचा अलग वीडियो बनाई जाएगी। बट गाइज यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये माइनक्राफ्ट जो गेम है उसमें ऐसा क्या है जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी है उसकी इंडिया में। मतलब गाइज सच में माइनक्राफ्ट की जो यहाँ पर ऑडियंस है, माइनक्राफ्ट के जो गेमर्स है, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा है किसी भी गेम से अगर हम कंपेयर करें तो। एंड गाइस आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा ऐसे कुछ रीजंस के बारे में जिसके कारण माइनक्राफ्ट तो भाई साहब GTA 5 को भी कभी कभी बीट कर देती है गेमर्स के हिसाब से, क्योंकि गाइस यहां पर माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी यहां पर GTA 5 से भी ज्यादा बताई जाती है। तो गाइस ऐसा क्या है माइनक्राफ्ट में, तो आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल तो गाइस यहां पर माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसका अंदाजा आप सभी लोग इससे ही लगा सकते हो कि गाइस यहां पर जो माइनक्राफ्ट है उसने गाइस YouTube पे 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा व्यूज जनरेट कर लिए हैं, जो कि भाई साहब मोस्ट पॉपुलर गेम बना देता है माइनक्राफ्ट को। अब गाइस यहां पर ऑब्वियसली अगर व्यूवर ज्यादा होंगे तो भाई साहब गेमर्स भी ज्यादा होने वाले हैं, बिकॉज गाइस ज्यादातर बंदे वही गेम्स को देखना पसंद करते हैं जिनको वो भाई साहब लिटरली खुद भी प्ले करते हो। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं माइनक्राफ्ट ने सच में बहुत बड़ी जगह बना ली है अपनी गेमर्स के दिल में, दिमाग में। अब गाइस यहां पर ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगी जिन्होंने अभी तक माइनक्राफ्ट को ट्राई तक नहीं किया। तो गाइस यहां पर जल्दी से हम पर बात कर ले कुछ ऐसे 5 रीजंस के बारे में जिसके कारण गाइस माइनक्राफ्ट सो पॉपुलर है। तो गाइस जो फर्स्ट रीजन आता है वो है गाइस इन्फ्लुएंसर इंपैक्ट। अब गाइस यहां पर ये बात तो सच है कि इन्फ्लुएंसर भाई साहब बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसी भी गेम की पॉपुलैरिटी में, बिकॉज गाइस अगर आप यूट्यूब पर देखो तो गाइस यहां पर आपका फेवरेट यूट्यूबर गेमर जो भी यहां पर गेम प्ले कर रहा होगा आप ऑब्वियसली उसकी वीडियोस देखते होंगे। तो गाइस यहां पर ऑडियंस में इंपैक्ट पड़ता है जब वो अपने फेवरेट गेमर को देखते हैं उस गेम को प्ले करते हुए। तो गाइस वैसे ही जो माइनक्राफ्ट है बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स के द्वारा प्ले करी जाती है, लाइक टेक्नो गेमर्स एंड गाइस और भाई साहब हो गए। एंड गाइस आप सब लोग देख सकते हो YouTube पे माइनक्राफ्ट कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। मतलब भाई साहब आप सब लोग देखते होंगे कि कुछ तो YouTube पे ऐसे चैनल्स हैं जिनके भाई साहब सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं है, बट गाइस व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं माइनक्राफ्ट के कंटेंट में। तो गाइस उसका रीजन यही है कि माइनक्राफ्ट की ऑडियंस सच में बहुत ज्यादा है। एंड गाइस यहां पर जो क्रिएटर्स का भाई साहब माइनक्राफ्ट में इतना ज्यादा यहां पर ग्रोथ उनको मिल रही है, वो इसी रीजन के कारण मिल रही है कि गाइस यहां पर माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा बंदों द्वारा प्ले करी जाती है। एंड गाइस जिसके कारण लोग देखते हैं माइनक्राफ्ट को, एंड गाइस माइनक्राफ्ट ने इतनी बड़ी यहां पर मार्केट बनाकर रखी हुई है अपनी गेमिंग इंडस्ट्री में। अब गाइस यहां पर ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि माइनक्राफ्ट प्ले करते हैं, तो गाइस उनका इंपैक्ट पड़ता है, ऑडियंस देखती है, ऑडियंस को लगता है भाई साहब ये कौन सी गेम है हमें भी ट्राई करनी चाहिए, तो गाइस वो ट्राई करते हैं, उनको भी बढ़िया लगती है, ऐसे कर कर भाई साहब और वीडियोस देखते हैं, ऐसे गाइस ये साइकिल चलता रहता है। एंड गाइस यहां पर माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स बढ़ते रहते हैं। तो गाइस यहां पर ये हमारा पहला रीजन जो कि इन्फ्लुएंसर इंपैक्ट। तो गाइस आपको भी लगता है कि कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इंपैक्ट डालता है या फिर नहीं, तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको लगता है कि कोई यहां पर अगर बहुत बड़ा क्रिएटर गेम खेल रहा हो तो गाइस यहां पर ऑडियंस उसके साथ रिलेट कर पाती है, वो खुद भी वो गेम को ट्राई करना चाहती है। तो गाइस अगर आपको भी लगता है तो बताना जरूर। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट रीजन, अब बात करें हमारे सेकंड रीजन के बारे में। अब गाइस यहां पर जो नेक्स्ट रीजन है वो है गाइस इस गेम की क्रिएटिविटी। मतलब गाइस क्रिएटिविटी तो इस गेम में नेक्स्ट लेवल में है। आप सभी लोग गाइस जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। आप चाहो घर बनाना है घर बना लोगे, आप चाहोगे कि घर पे स्विमिंग पूल रखना है स्विमिंग पूल रख लोगे, आप चाहोगे कि मुझे कोई कमरा चाहिए जिसमें अब मैं अपने विलेजर्स को रख पाऊं तो आप वो रख पाओगे, आपको चाहिए कोई बेड रखना है कहीं पे बेडरूम बनाना है रसोई बनानी है। मतलब अगर आपने कुछ भी सोच लिया तो वो हो जाएगा, इस गेम में पॉसिबल है, तभी गाइस इसमें क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती। एंड गाइस क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है यूजिंग गाइस यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग। आप सभी लोग लगाकर फार्म्स बना सकते हो, लाइक गाइस आप सभी लोगों को पता होगा गोल लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट गाइस आप एक ऑटोमेटिक फार्म बना सकते हो जिसमें खुद क्रिएटिविटी लगती है। आप सभी लोग गाइस यहां पर दिमाग लगाकर नीदर से गाइस अपने खुद के वर्ल्ड में यहां पर चीजों को लेकर आ सकते हो, एक बहुत बड़ा पाथ बना सकते हो। मतलब गाइस क्रिएटिविटी की हदें पार कर देती है ये गेम, जिसके कारण ये गेम को इतना पसंद किया जाता है। अब गाइस यहां पर अगर आप दिमाग लगाकर खुद कुछ क्रिएट करोगे तो उसमें मजा आता है। एंड गाइस क्रिएटिविटी जहां पर आ जाए वहां पर गाइस मजे आने लग जाते हैं। एंड गाइस एक बार मजे आने लग गए तो गेम से प्यार तो हो ही जाता है। तो गाइस वैसे कुछ सीन है। एंड गाइस क्रिएटिविटी के साथ साथ जो इसमें मल्टीप्लेयर की ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो गाइस वो गाइस नेवर एंडिंग बना देती है इस गेम को, बिकॉज गाइस इस गेम में आप सभी लोग को कुछ भी आप सब लोग चाहो तो गाइस आप बोर आपको नहीं होने देगी ये गेम। आप सभी लोग अगर क्रिएटिविटी कर दिमाग फोड़ फोड़ कर भी बोर हो गए तो गाइस आप अपने दोस्त को बुलाओ एंड साथ में यहां पर मस्ती करो, ये भी कर सकते हो। तो गाइस यहां पर एक गेम में गाइस ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको गाइस गेम फुलफिल करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस गेम को प्यार करें, बट गाइस ये गेम ने तो उसकी हदें पार कर दी है जिसके कारण गाइस
गाइस को इतना प्यार दिया जाता है। एंड गाइस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेम एंड हो जाएगी एक टाइम पे आकर सब कुछ। गाइस यहां पर आप सभी लोग सोच सकते हो कि गेम एंड होगी, अब कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। ये गेम नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह है, कभी खत्म नहीं होगी, आप करते जाओगे गेम आपको मतलब मजे आपको आते जाएंगे। तो गाइस जिसके कारण ये गेम में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जुड़े रहते हैं, कभी उसको छोड़कर नहीं जाते। अब गाइस यहां पर जो नेक्स्ट रीजन है वो गाइस एक बहुत बड़ा रीजन है इस गेम की पॉपुलैरिटी के पीछे, जो क्या गाइस इसकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। अब गाइस यहां पर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपके लो एंड पीसी में चल जाता है, वो तो है ही, बट गाइस यहां पर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का मतलब मेरे कहने का ये है कि गाइस इट इज अवेलेबल फॉर ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। मतलब गाइस यहां पर ये बहुत कम ऐसी चुनिंदा गेम्स में से है जो कि गाइस यहां पर सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। आप सभी लोग चाहो तो अपने फोन में डाउनलोड कर लो, आप सभी लोग चाहो तो अपने पीसी में प्ले कर लो। मतलब गाइस आप जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उस प्लेटफॉर्म के लिए माइनक्राफ्ट अवेलेबल है, जिसके कारण गाइस कोई भी बंदा यहां पर इसको प्ले कर जाता है। बिकॉज गाइस यहां पर एंड्रॉइड फोन सबके पास है, तो गाइस वो चाहे तो उसमें प्ले कर सकते हैं, पीसी अगर आपके पास है तो आप उस पे प्ले कर सकते हो। तो गाइस इसमें हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी बहुत तगड़ी है, गाइस आपको कोई भी हाई एंड पीसी या फिर मोबाइल भी नहीं चाहिए, आपका गेम चल जाता है, जो कि गाइस अगेन एक बहुत बड़ा रीजन है इस गेम की पॉपुलैरिटी के पीछे। ये तो गाइस मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि गाइस यहां पर अगर एक गेम हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है तो गाइस कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी प्लेटफॉर्म में गेम को प्ले कर लेगा। एंड गाइस यहां पर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस गेम की पॉपुलैरिटी के पीछे। आप गाइस यहां पर बात करें नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि इस गेम को पॉपुलर बना देता है, वो है गाइस इस गेम की सिंपलिसिटी। अब गाइस यहां पर सिंपलिसिटी का मतलब ये है कि गाइज आप सभी लोग को कुछ भी यहां पर इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगता इस गेम में। बिकॉज गाइज आप स्टार्ट होती है कि यहां पर वर्ल्ड में यहां पर एंटर हो जाते हो, आप एक जगह गिर जाते हो, उसके बाद गाइज आप जो मर्जी करो सब कुछ यहां पर छोड़ दिया जाता है। गाइज बहुत बड़ा चीज है, गेम खुद ही आप पर छोड़ देती है कि आपको क्या करना है, आपको कभी गेम नहीं बताती कि गो राइट गो लेफ्ट। थोड़ा बहुत आप सभी लोग अगर यहां पर थोड़ा बहुत बता भी दे ट्यूटोरियल में तो गाइज वो बात नहीं है, बट गाइज आपको गेम एक बांध नहीं देती कि आपको यही करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गेम आपको कभी नहीं बांधती कि अब आपको विलेज ढूंढनी है, आप विलेज में जाओ, जब तक आप विलेज में नहीं जाते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पर ही छोड़ दिया जाता है। तो आप खुद ही एक्सप्लोर करते हो, खुद ही चीजें ढूंढते हो, खुद ही सब कुछ कर लेते हो, जो कि गाइज इस गेम की सिंपलिसिटी है। एंड गाइज ड्यू टू दिस ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है गाइज कि आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाता है। तो गाइज आप सोचो आप सभी लोग पे अगर कुछ छोड़ दिया जाए तो गाइज आप ओपन वर्ल्ड में खुद ही यहां पर कहीं भी घूम सकते हो, खुद ही कुछ भी देख सकते हो, खुद ही विलेज ढूंढो, खुद ही आप सभी लोग घर बना सकते हो, खुद ही मरो, खुद ही जियो, मतलब सब कुछ ही खुद है। तो गाइज यहां पर ये बहुत बड़ा रीजन है इस गेम के पॉपुलर होने का। एंड गाइज एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रीजन इसको बहुत ज्यादा बड़ी गेम बना देता है, जो रीजन के कारण पुराने प्लेयर्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो है गाइज इट इज अ एंडलेस गेम, जो कि मैंने पहले बात की। आप गाइज यहां पर एंडलेस किस मामले में आपको पता ही है, आप सभी लोग चाहो तो इसमें पार्कोर वर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसके साथ आप सभी लोग पार्कोर कर सकते हो इस गेम में। आप सभी लोग का गाइज जब भी मन करे आप सब लोग नीदर एक्सप्लोर करने जा सकते हो, आपको नई नई चीजें हमेशा देखने के लिए मिलती रहेंगी, आपके लिए हमेशा कुछ नया टास्क होगा, आपके लिए हमेशा नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होगी कि अब ये करते हैं। बिकॉज गाइज अगर आपने एक टाइम पे विलेज ढूंढ लिया, आपने एंडर ड्रैगन को भी मार दिया, तो गाइज आप फिर से प्ले करोगे इस गेम को, बिकॉज गाइज आप देखोगे कि यहां पर मेरे लिए कितना मुश्किल होता था यहां पर स्टोन्स लेकर आना इतना कुछ, तो कुछ बड़ा विलेज बनाते हैं, कुछ बड़ा अपना पूरी दुनिया क्रिएट करते हैं, आपके दिमाग में आएगा लाइक अपना खुद का स्टैचू बना लेते हैं इस गेम में, तो उसके लिए हम चीजें इकट्ठी करते हैं, अब गाइज चीजें इकट्ठी करने के लिए फार्म बनाते हैं जिसके साथ वो चीजें मिलेंगी। तो गाइज मतलब ना ये गेम एक एंडलेस गेम बन जाता है, जिसके कारण ये गेम को आप कभी छोड़कर नहीं जाते, हर टाइम आपके पास कुछ होता है करने के लिए। आपको गाइस क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है माइनक्राफ्ट के सो पॉपुलर होने का, हम आपके यहां पर कमेंट्स पढ़ेंगे एंड देखेंगे। सभी लोग जानते हैं कि वाई माइनक्राफ्ट इज सो पॉपुलर। तो गाइस अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए GTA 5 के ऊपर या फिर और गेम के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में।